हाय, आज हम जानेंगे कैसे आप 99 एकर्स से आपका प्रॉपर्टी सेल और बाय खूब सिंपली कर सकते हैं और इसके मदद से आप आपका रियल एस्टेट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप ये जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड को बोलिए उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए। इसके लिए आप शेयर भी कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, और ये ऊपर में आई बटन जा रहा है उसमें आप क्लिक कर दीजिए तो मेरा जो पुराना वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक है जिसमें आप वोटर आईडी कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अभी 99acres.com आप सर्च कर लीजिए पहले, और 99acres.com खोलने के बाद आपको पहले इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि आप इसमें नया है। अगर किसी का रजिस्टर है तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम अभी आपको पहले रजिस्टर करके दिखाते हैं। ठीक है, तो राइट साइड का जो बटन है उसमें क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, इसमें ऑप्शन है लॉगिन और रजिस्टर, तो मैं अभी रजिस्टर कर रहा हूँ। तो इसमें आपका नाम देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा और पासवर्ड और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो मैं मेरा नाम दे रहा हूं, उसके बाद ईमेल आईडी देना पड़ेगा। आप धीरे धीरे देख लीजिए इसमें क्या होगा। आपका जो प्रॉपर्टी है वो आप बहुत सिंपली सेल कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आप तो ये भी आप एरिया वाइज सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पासवर्ड है ये आपको थोड़ा संभाल के देना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा आपको देख के देना पड़ेगा, नहीं तो ये पासवर्ड नहीं लेगा। देखिए, अभी जो मैं दिया हूँ वो नहीं लेगा क्योंकि इसमें 6 to 50 कैरेक्टर्स के बिटवीन ये पासवर्ड होना चाहिए। तो आप ये थोड़ा देख के दीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे अमित 2011, वैसे ही आप आपका नाम के ऊपर डाल के और कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आप एक इसमें आपको OTP आएगा। OTP समझते हैं ना, वन टाइम पासवर्ड, वो आपके मोबाइल नंबर में आएगा और वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो हम लोगों का इधर में तो टावर बहुत खराब है तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हम रुकते हैं, देखते हैं कितने टाइम में ये OTP आता है। ठीक है, अभी कितना टाइम बोलू ये एयरटेल को टावर ठीक करने के लिए, टावर तो ठीक ही नहीं होता है। देखते हैं OTP कब आते हैं, अभी तक तो रुके हुए हैं, आप भी रुके मेरे साथ। अभी लगता है OTP एक आ गया है, अभी मैं जो OTP आया है उसको एंटर करूंगा। आप हमको बोलिए तो आप लोग उधर में भी क्या टावर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा OTP है 2874, मैं वेरीफाई कर दिया हूँ, अब ये खोल रहा है, ये अभी खोल गया। ठीक है, तो पहले आपको दिखाते हैं आप कैसे पोस्टिंग करेंगे, मतलब आपका कोई प्रॉपर्टी है और वो आप सेल करना चाहते हैं और रेंट देना चाहते तो आप कैसे करेंगे। तो पोस्ट प्रॉपर्टी कर दिए, उसके बाद मैं आपको सेल दिखा रहा हूँ। आप ओनर है सोचिए, तो ओनर पे क्लिक हो गया, सेल कर दीजिएगा। इस तरह आप रेंट भी कर सकते हैं। मैं एक फ्लैट सेल करके दिखाता हूँ, मतलब फ्लैट का पोस्टिंग करके दिखाता हूँ। अभी कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब लैंड भी कर सकते हैं, अब रेसिडेंशियल अपार्टमेंट कर दिया क्योंकि ये फ्लैट है। उसके बाद आपको आपका लोकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोलकाता से हूँ तो मैं कोलकाता का लोकेशन दे रहा हूँ, मैं न्यू टाउन का एक लोकेशन दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। अब इधर में जो भी आपका लोकेशन है, दिल्ली में है तो दिल्ली दीजिए, मुंबई में है तो मुंबई का कोई जगह दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एक मांगेगा, प्रोजेक्ट नेम मांगेगा।
तो आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का कोई नाम है, बिल्डिंग का कोई नाम है तो नाम दे दीजिए, हाउस नंबर है तो हाउस नंबर दे दीजिए, ठीक है, स्ट्रीट नंबर है तो स्ट्रीट नंबर दे दीजिए। ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। और इसका जो एक पोस्टिंग है, एक एडवर्टाइजमेंट आपका फ्री मिलेगा, तो ये आप फ्री में यूज कर सकते हैं। और उसमें से ही आपका जो अगर एक फ्लैट है तो वो भी आपका सेल हो जाएगा एक से ही, क्योंकि इसका जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा है। अभी आपको सुपर बिल्टअप एरिया देना पड़ेगा, ठीक है। सुपर बिल्टअप एरिया मैंने एक दे दिया स्क्वायर फीट में, ठीक है। इसमें आप 2 BHK है, 3 BHK, 1 BHK वो दीजिए, बाथरूम कितना है दीजिए, बैल्कोनी कितना है दीजिए, ठीक है। पूजा रूम, स्टडी रूम है कि नहीं दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं दीजिए, ठीक है। फर्निश्ड है कि सही फर्निश्ड है वो दीजिए, नहीं तो अनफर्निश्ड दीजिए। कौन सी फ्लोर में फ्लैट है, टोटल फ्लोर पहले दीजिए, मतलब G+4 है तो 4 दीजिए, और आपका फ्लैट कौन सी फ्लोर में है वो दीजिए। रिजर्व पार्किंग है तो यस दीजिए, नहीं है तो नो दीजिए। है तो कितना है, एक है, दो है, वो दीजिए। रेडी टू मूव है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो दे के आप नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन सीखने के लिए थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। पूरा देखिए, ठीक है, मैंने इधर में पैसा भी दे दिया एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ फ़ोटो देना पड़ेगा, फ़ोटो आप पहले से खींच के रखिएगा, खींच के रख के कंप्यूटर में लेके कंप्यूटर से डाल दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मोबाइल से भी ये वाला कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा डिटेल्स दे दिए, लिफ्ट है कि सिक्योरिटी है कि नहीं, द वाटर सोर्स क्या है, मेन रोड की तरफ मेन रोड दिखाई देते हैं कि नहीं, गेटेड सोसाइटी है कि नहीं, कौन सी फेसिंग है, और क्या क्या आपका फैसिलिटी है, 24 आवर्स वाटर है कि नहीं, बैंक हॉस्पिटल नज़दीक है कि नहीं। अभी थोड़ा इसमें डिटेल्स डाल दीजिए, मैं आपके लिए छोटा करके दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा बड़ा करके डिटेल्स डालिए, जिसमें से जो खरीदेगा, जो बायर है, उसको भी पता चले, ठीक है। और आपका कन्वीनियंट टाइम भी दे दीजिए, आप कौन सी टाइम में फ्री है, नहीं तो एनी टाइम दे सकते अगर आप सभी टाइम में फ्री है तो, ठीक है, नहीं तो आपका स्लॉट है, टाइम स्लॉट है, वो दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका सिटी आ रहा है, आप कहाँ पे रहते हैं वो दे दीजिए, ठीक है। जो आपका इंफॉर्मेशन है लिखा हुआ है, गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। मैं जैसे कोलकाता में रहता हूँ, मैं कोलकाता दे रहा हूँ, अगर किसी भी टाइम आना है तो कोलकाता में आइए, कोलकाता बहुत अच्छा सिटी है, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अभी मैं सबमिट करूँगा, लेकिन मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये पोस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई अभी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप ऐसे सबमिट करके ये पोस्टिंग कर सकते हैं, ये तो पोस्टिंग हो गया। अभी अगर कोई आप फ्लैट ढूंढ रहे, खरीदना चाहते हैं, नहीं तो रेंट चाहते, तो कैसे करेंगे? तो पहले बाई में जाइए अगर खरीदना चाहते, रेसिडेंशियल फ्लैट अगर फ्लैट खरीदना चाहते तो फ्लैट में जाइए, उसके बाद लोकेशन लिखिए, आपका दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, और किसी भी जगह है तो उधर में आपका जो लोकेलिटी है वो लिखिए, जैसे मैं कोलकाता में सॉल लिख किया हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा रेंज कितना है वो देना पड़ेगा, मेरा रेंज कम ही देते हैं, 5 से 15 लाख के बीच में मुझे एक फ्लैट चाहिए, देखते हैं आते हैं कि नहीं, सॉल्ट लेक में इतना कम दाम में फ्लैट नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलेगा तो वो आसपास में जो फ्लैट है इस दाम में वो दिखाएगा, ठीक है। मैं ओनर दिया हुआ, अगर आप किसी के पोस्टिंग भी देखना चाहते हैं, ब्रोकर का देखना चाहते हैं, कोई डेवलपर का देखना चाहते, वो भी देख सकते हैं। देखिए मैंने 15 लाख के बीच में फ्लैट दिया हुआ, लेकिन उधर में लिखा हुआ है इस रेंज में फ्लैट नहीं मिला है सॉल्ट लेक में, तो इधर में नज़दीक जो है न्यू टाउन, उधर में दिखा रहा है, देखिए 0 रिजल्ट फाउंड ऑन योर सर्च, तो इसके लिए न्यू टाउन का जो फ्लैट है 15 लाख के बीच में वो दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप फ्लैट सर्च कर सकते हैं, आप कमर्शियल भी सर्च कर सकते हैं, आप लैंड भी सर्च कर सकते हैं, आप रेंट भी सर्च कर सकते। तो ऐसे आप फ्लैट सेल रेंट दे सकते हैं, लैंड का भी कर सकते हैं, कमर्शियल का भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे कोई डीलर का काम करना चाहते हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को,
और शेयर कर दीजिए तो और भी लोग ये वाला वीडियो देख सके। बाय।